इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ फ्रेंड ग्रुप के साथ चार बंदों का हमारा ग्रुप है अभी और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है। सो अभी मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर, देख सकते हैं मेरी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट हो चुकी है। 11 बजे की मेरी ट्रेन थी और वो हो चुकी है 11:45 की। सो लेट्स सी, देखो क्या होता है। अभी हम रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर अपना एंजॉयमेंट करेंगे, बैठेंगे, चार लोग हैं तो प्लान हुआ हमारा लूडो वूडो खेलेंगे। सो वीडियो में आपको आगे के दिखाते हैं अपना वृंदावन का फन, कैसा हमारा टूर रहा और कैसे कैसे आपको वृंदावन में, अगर आपको भी जाओ तो कैसे जाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा टूर आपको करवाऊंगा घर बैठे बैठे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो हमारा डिनर टाइम शुरू हो चुका है क्योंकि ट्रेन हमारी काफ़ी लेट है। सो परांठे अभी टेस्ट करेंगे। सुमित चलो स्टार्ट करते हैं, अभी अपना लंच देन करते हैं फॉर्म मौज मस्ती। सो गाइस अभी हमारी शर्त लगी थी लूडो गेम में कौन जीतेगा और वो सब जीतेंगे तो 10-10 रुपये मिला के हम कुछ खाने को लेंगे। जीतता राहुल है तो राहुल की पसंद की चीज ली जाएगी, ठीक है। सुमित सुमित एक बार वो भाई नहीं है, भाई नहीं है। सुमित अभी एक्टिंग कर रहा था उसकी 160 की 160 की। ट्रेन का इंतजार करते करते थक गए हैं। ये देखो अगला बंदा प्लेटफॉर्म पे सो गया, देख हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो हमारा कोच नंबर है S4 एंड आप देख सकते हैं कितना रश इस ट्रेन में, मतलब इस वाली ट्रेन की रूट की काफ़ी रश है, काफ़ी लोगों ने बहुत देर से वेट किया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे दो राहुल जी, सुमित एंड ये तो अनपढ़ है बिल्कुल, इसको टिकट समझ ही नहीं आ रही कहाँ है S4। देखना मंदे को, हम टिकट दिखाते हैं आप सबको, मन्नी की टिकट सबसे अलग है मेरी अपर मैं पर 76 77 78, ये मन्नी की है 68 62 नंबर। भाई रात के 2:30 बजे ये हाल है, देखो इतना रश है। टाइम देख सकते हो आप 2:30 बजे, इतना रश है। और नाउ फाइनली हमारी टर्न आ चुकी है, इसको देखो मन्नी को हाय कर दो, उनके हाथ ला दो, साथ है 160 अंकल सेट कर लिए मम्मी ने, कह रहा अंकल के साथ ही जाऊंगा मैं तो। 160 टिकट मिला कौन सा, 76 77 के हमने टुक टुक ले लिया है, टुक टुक में हम सारे बंदे यहाँ से वहाँ के बिहारी मंदिर की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम अपना होटल वोटल लेंगे देन वहाँ पे जाके स्टे करके अपना फ्रेश हो गए देन मंदिर की ओर जाएंगे। हमारा मेरा चश्मा ले गए, लेंस छोड़ गए, वैसे के फ्रूटी पी ली, 3 फ्रूटी पी ली, चश्मा नहीं दे रहा लेकिन बंदा इतना आराम दिया यार बंदा, नहीं वो चश्मा नहीं है भाई, दे दे फ्रूटी पी रहा बंदर लेकिन चश्मा नहीं दे रहा। तो भाई 100-150 रुपए लग गए चश्मे को छुड़ाने में, बंदे को खा भी गए बंदर साइड साइड से, मैं अंधा हो जाता आज पूरे दिन कसम से भाई, ये ला के आया फ्रूटियां ही फ्रूटियां, तब जाके छुड़ा चश्मा भाई, कितनी फ्रूटी लग गई हमारी 5 5 रुपए फ्रूटी लग गई भाई, जब जाके बड़ी मुश्किल से चश्मा छोड़ा बंदर ने। और अब देख रहे हैं हम रूम्स यहाँ पे, चलो बात करते हैं उसकी बाद में, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है काफ़ी सारे आप आके, हम आए हैं अभी वाकई बिहारी मंदिर और वहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे आपको तरह तरह के रूम्स आपको दिखेंगे, आप यहाँ पे आके रूम्स ले सकते हैं, ठीक है। रूम्स की स्टार्टिंग में अभी आपको बताता हूँ सारी रेट देन आपको आगे की बातें शेयर करते हैं। वेलकम, ये हमारा होटल है, हमने ले रखा है, ठीक है, 1000 रुपीज़ में, मात्र 1000 रुपीज़ में। देखो ये हमारे लड़के ऐसे सोएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एसी है, ये दिखा दो एसी, और अभी हम आपको बालकनी का व्यू दिखाते हैं बढ़िया सा। ये हमारी बालकनी है और साथ में ये हमारा मंदिर है नियर बाय, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे थोड़े बड़े जाली सी लगा रखी है क्योंकि बंदर बंदर यहाँ बहुत होते हैं,
बड़ी मुश्किल से मेरा चश्मा मिला है, बड़ी मुश्किल से। सो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। देखो यहाँ पे ना ऐसी रूम्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप स्टैग लड़के बढ़ के आ रहे हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली आके ऐसे नॉर्मली धर्मशाला टाइप आप यहाँ पे ले सकते हो और आराम से इजीली स्टे कर सकते हो। अगर आप किसी फैमिली के साथ आ रहे हैं या कोई कपल्स वगैरह कोई आता है तो आप अपना अच्छा सा रूम ले सकते हो। होटल्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है जिनके प्राइस यही होते हैं 2000 रुपीज़ अराउंड रहते हैं, ठीक है, पर नाइट के 1000 रुपीज़ रहते हैं। बाकी आपके आवर टाइम पर डिपेंड करता है। ये हमें 24 घंटे के लिए मिला हुआ है, मतलब आज सुबह से कल सुबह तक के लिए मात्र 1000 रुपीज़ में, और हम चार लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। अपन लोग अभी निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर को, हमने अपना नहा धो के अपना फर्स्ट क्लास नंगे पांव निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर की ओर, ठीक है। तो ये बांके बिहारी मंदिर की गलियां हैं जहाँ से कि आपको जाना है, देख सकते हैं आप पीछे सारे भक्त लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मंदिर में एंट्री करके आपको दिखाते हैं सारे दर्शन कराते हैं। अपने बांके बिहारी मंदिर की गलियाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, शनिवार का दिन है आज। सबने अपने फेस वेस पे राधे राधे जी लिखवा लिया है, देख सकते हैं हमने चारों ने राधे 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 राधे। सो भी ये मार्केट में हम घूम रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मार्केट में आप काफी सारी चीजें ले भी सकते हैं। जैसे आपको छोटे छोटे गोपियों के कपड़े, फूल माला एवं पेठे की काफी सारी, देखिए पेठे वेठे ले जा रहे हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। काफी सारी शॉप्स आपको यहाँ पे दिखेंगी जिसमें कि आपको कान्हा जी के कपड़े भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ प्रसाद की काफी सारी दुकानें, और आप कुछ लेना चाहते हैं टीका चंदन वंदन काफ़ी सारी आपको यहाँ पे दवाइयाँ की दुकान भी, दवाइयों की दुकान भी, कपड़े देखिए चुन्नी चुनरी धोती जो जो आप लेना चाहते हैं वो सब आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। इस तरीके का है अपने यमुना घाट का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अभी हमने पता करा तो 100 रुपीज़ पर पर्सन ही बता रहे हैं और वहाँ तक पूरा आपको घुमा के जाएंगे पूरे घाट तक। यहाँ पे यमुना घाट पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। प्रबंध का चार्ज है 100 रुपीज़ जो कि आपको सामने निधि भट टेम्पल है वहाँ पे 100 हमारे लिए हैं वो भी तो बता, ठीक है। देन वो आपको वहाँ पे निधिवन टेम्पल से घुमा घुमा के लाएंगे, बट हम रिटर्न नहीं आएंगे क्योंकि हमें निधिवन टेम्पल के दर्शन करने, तो भी हम वहीं पे जाके स्टे कर लेंगे। ये हमारा निधिवन जहाँ पे कि रात को कृष्ण जी डांस करने आते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। तालियां देखो ऐसी हैं, देखिए निधि वन के अंदर पेड़ सारे झुके से रहते हैं आप देख सकते हैं। अब आएगा।
सर ने फोन ले लिया है तो फ्रूटी का लालच देके, केले का लालच देके, सब लालच दे दिया, फोन नहीं छोड़ रहे खाले। सुबह हम पहुंच चुके हैं अपनी प्लेस पे, सामने हमारा घर है और यहाँ पे हम घूम घाम के आ गए हैं और ना हम नान खाने का डिसाइड हुआ क्योंकि हमें कुछ खाने को मिला नहीं। सो ये अब नान आने वाली है हमारी, नान ट्राई करेंगे, देखते हैं। रेस्ट हमारा हो गया और ना बाकी बिहारी मंदिर से हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल साथ ही साथ हैं तो पहले हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ थोड़े से भजन वजन करके देख के टेम्पल को एक्सप्लोर करके देन हम प्रेम मंदिर की ओर जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस्कॉन टेम्पल, देन दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होता है। फाइनली इस्कॉन टेम्पल हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप कितना रश है यहाँ पे, बहुत भीड़ हो रही है अभी, गेट ओपन भी नहीं हुए। सभी प्लान के हम कुल्फी खाएंगे सारे लोग, फिर देन गेट ओपन होंगे तो एंट्री करेंगे इस्कॉन टेम्पल के अंदर। इस्कॉन टेम्पल से अराउंड 1 किलोमीटर पे है ये प्रेम मंदिर, देख सकते हैं आप, हम एंट्री गेट पे इसके पहुंच चुके हैं। शाम के 5 बजे बज रहे हैं अराउंड, रश और का है थोड़ा बहुत, आप अभी हमें प्रेम मंदिर में कैसा लग रहा है घूमते हुए? बहुत बढ़िया लगा, सारे पाप धुल गए, मन्नी के सब पाप करे थे, मन्नी ने बहुत सारे, वो सारे पाप धुल गए।
दृश्य है, मतलब बहुत बढ़िया लाइटिंग है, बहुत बढ़िया। अभी तो रात होने का हम वेट कर रहे हैं, और अच्छी लाइटिंग यहाँ पे होगी। चलते हैं नाइट व्यू प्रेम मंदिर का, जिसमें की लाइटिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो रही है। अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सज जाता है हमारा प्रेम मंदिर, काफी सुंदर लग रहा है ये, काफी ज्यादा। अरे खाना वाना हमने खा लिया है, वृंदावन घूम लिए हैं, मतलब प्रेम मंदिर वगैरह घूम लिए हैं। सो अब हम जा रहे हैं घर को, हमने ई रिक्शा लिया है, भजन करते हुए। गाना तो गा भाई। तो भाई बंदे ने आज पूरे दिन ये बजाया, मैंने भी पूरे दिन बजाया, अंगल लिया ऐसी हो गई है, दर्द हो रहा है। तो ये मार्केट यहाँ की वृंदावन की आप देख सकते हैं। प्रेम मंदिर में अराउंड आज ना 10,000 करीब लोग होंगे कम से कम, है वो प्रेम मंदिर में 10,000 लोग होंगे अराउंड। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, शनिवार था आज तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये मार्केट है, यहाँ से आपको 20-20 रुपए में ये बाकी बिहारी मंदिर छोड़ देते हैं, प्रेम मंदिर से बाकी बिहारी मंदिर। उसी के पास हमने अपना रूम ले रखा है, तो वहाँ पर जाके हम स्टे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अभी घर जाके, दिन करते हैं, थोड़ी सा पहले हम सोते हैं। गोवर्धन पर्वत की और एक मई शुरुआत में गोवर्धन पर्वत पे जा रहे हैं। मन्नी और हम सब पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत, और यहाँ पे से आपको ना ये रिक्शा टाइप मिलता है, 100 रुपये सवारी जो होती है वो आपको 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत पूरी परिक्रमा कराते हैं, ठीक है। जो पैदल करना चाहता है पैदल भी कर सकता है, जिसका जिसमें लग जाता है 4 से 5 घंटे, लेकिन ई रिक्शे से अगर आप करते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो अगर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे ई रिक्शा से, तो दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। और क्या हो गया यार, मन्नी जी का हमारे टुन हो गया है, मन्नी जी टुन हो चुका है अपना गोवर्धन पर्वत, देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा गोवर्धन पर्वत है, जो कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी अंगुली से उठा रखा था। ये पूरा 21 किलोमीटर का है, तो इसको दिखाता हूं मैं आपको। पर्वत के सबसे पहले मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, तो देख सकते हैं आप ये मंदिर। दूसरा डेस्टिनेशन आ गया है मुखार मंदिर, जो कि गोवर्धन के पर्वत में ही पड़ता है। तो वैसे तो अच्छा लग रहा है गोवर्धन,
पर्वत में मतलब काफ़ी अच्छा है कि दिख रहा है कृष्ण जी ने कितना बड़ा पर्वत उठाया था। अनएक्सपेक्टेड था ये, हमें लगा लाइक छोटा सा कुछ होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है। 21 किलोमीटर में अराउंड पड़ता है, मंदिर से जाना पड़ रहा है। ये मंदिर कुछ इस तरीके से है, अभी हमने यहाँ पे दर्शन करे और अब हम ये जाएंगे गोवर्धन की ओर। अभी गोवर्धन पर्वत है, उसी का एक पार्ट है ये भी जिस पे अभी हम जा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके का पर्वत था जो कृष्ण जी ने उठाया था, मैं आपको सामने से अभी दिखा रहा हूँ, पूरा देख सकते हैं ना, यही पूरा पर्वत है, पूरा 21 किलोमीटर में जो कृष्ण जी ने उठाया। देख सकते हैं अभी हमने मंदिर की ओर और प्रस्थान किया है। ये पर्वत चढ़ने के बाद अंदर कुछ इस तरीके का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। क्या खूबसूरत नज़ारे के साथ, देखो खूबसूरत नज़ारे के साथ क्या मस्त सा मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, यहाँ पे एक आधी फोटो लेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों को। कैसे लगा नज़ारा? नज़ारा बहुत अच्छा ना, बहुत तगड़ा। ये यहाँ से आपको मंदिर के पास से पूरी नगरी दिखाई देगी वृंदावन की पूरी है। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा। देखो कृष्ण जी ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था, देखो देख सकते हैं आप पूरा सामने आपके, क्या अद्भुत नज़ारा है, बहुत खूब बहुत खूब। देखिए तो लोग कुछ इस तरीके से अपना घर भी बनाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही गिव के नाम से है और हमारा एक उद्देश्य है कि हम भारत के हर व्यक्ति को एक बार भगवद गीता पहुँचाना चाहते हैं, और वो भी केवल बुक देने से काम नहीं होगा, हमें उनको गीता के प्रिंसिपल्स को सिखाना पड़ेगा और उसके लिए हम फ्री वीडियो कोर्स देते हैं और शुरुआत उनसे कर रहे हैं जो कि आज गोवर्धन आगे परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान भक्ति से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनका धर्म के प्रति रुझान है, तब तो वो गोवर्धन आए। और इसके लिए आपको हम जो वीडियो कोर्स देते हैं उसमें डेली 30 मिनट की वीडियो आप ही के व्हाट्सएप नंबर पर आ जाती है, और ये कोर्स देने से पहले हम उनको बताते हैं कि देखिए हमारा नारा है कि देखिए आज मुस्लिम कुरान जानते हैं और ईसाई बाइबल जानते हैं, लेकिन बताइए आज के हिंदू क्या जानते हैं। हिंदू अपने आप को हिंदू तो कहते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि भाई हिंदू धर्म होता क्या है। हिंदू शब्द आपकी जानकारी के लिए, किसी भी वेद आप पुराण उपनिषद रामायण महाभारत आपने भी कहीं भी हिंदू शब्द नहीं सुना ना आया है, आया क्या है सनातन धर्म। हम सबका जो भी जीव है ना हम सबका धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म का ज्ञान मिलता है वेदों के अंदर, वेदों का सार है भगवद्गीता और हम भगवद्गीता का फ्री में कोर्स देते हैं। देखिए गीता में कृष्ण भगवान एक श्लोक कहते हैं कि यज ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, जो गीता को जान जाता है वो अपने आप को समस्त अशुभों से मुक्त करेगा। तो आपको हम यही चाहते हैं कि जीवन में आप समय हमेशा टेंशन हो तो सुखी कैसे रहो, इसके लिए गीता का कोर्स दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी बहुत ही सरलता से उदाहरणों से लॉजिक्स के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं गीता के ज्ञान को कि कोई भी व्यक्ति उसको समझ जाएगा अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके, जैसा कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं उसके जीवन से अशुभ खत्म हो जाएंगे। सुसुखम कर्तुम अवयम कहते हैं, मतलब जो इस ज्ञान का पालन करता है, सुसुखम का मतलब सुख नहीं, सुसुखम बहुत सुख, उसको बहुत सुख मिलेगा। मेडिटेशन कहते हैं इसमें साउंड को उच्चारण करके सुनना होता है, और साउंड कौन सा, ये स्पिरिचुअल साउंड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो आपको अपने लाइफ के लिए 10 मिनट रोज निकालना चाहिए, करना ही चाहिए, इतना हम कुछ कर रहे हैं 10 मिनट अपने लिए करिए। इसको बोलना है सुनना काउंट करने के लिए सिंपल, या तो उंगलियों पे गिन लो 108 बार 10 मिनट लेंगे, या काउंटर नाम का एप्लीकेशन बहुत सारा आ जाता है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो मोबाइल ही काउंटर मिल जाएगा, ठीक है। 108 बार ध्यान पूर्व बोली सुन, अब आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आपको ध्यान कहीं नहीं भटक रहा ना, सेम टाइम होगा यहाँ पे बोलना सुनते रहेंगे जितना ध्यान कहीं नहीं भटक, प्रतिदिन 108 प्रतिदिन 108 10 मिनट लगेगी बस ये करना, तो टाइम ठीक है। आप फॉरेनर्स भी इसको करना है क्योंकि वो तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उन पर ठोस विश्वास ना हो, सही फायदा उठा रहे हैं आप भी फायदा उठा रहे हैं, बहुत धन्यवाद लोगों का आपने इतना।
ये मानसी गंगा पे आए हम, गंगा जी पे। अभी आपको गंगा जी दिखाता हूँ, उससे पहले ये मंदिर है, मंदिर के दर्शन वर्शन करके गंगा जी की ओर प्रस्थान होता है। करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। ये था हमारा वृंदावन का 2 दिन का टूर, जिसमें कि हमने 2 दिन में ये सारी चीजें कवर करी, और होप सो आप लोग भी वृंदावन जाएं और एक बार जरूर बांके बिहारी जी के दर्शन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।